दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं तारा नीटिकेयर के 100% वे प्रो के बारे में। जो लोग नए हैं इस चैनल पे तो भाई लोग वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लेना और घंटी बजाना मत भूलना। तो मेरे पास जो डब्बा है तारा नीटिकेयर का वो पूरा खत्म हो चुका है। तो इसके ढक्कन के ऊपर एम्बॉस किया हुआ तारा का नाम लिखा हुआ है, नीचे भी आप देख सकते हो। पीछे न्यूट्रिशन कंटेंट और टिपिकल एमिनो एसिड का प्रोफाइल भी प्रिंटेड है। आजकल मार्केट में तारा का ये वाला प्रोडक्ट का डुप्लीकेसी बहुत ही बढ़ गया है। मैं खुद ही इनका शिकार होते होते बच गया है। तो जब भी आप ये वाला प्रोडक्ट खरीदते हैं तो इसके ऊपर मतलब इसका ढक्कन के ऊपर तारा फिटनेस का लेटर आपको एम्बॉस किए हुए दिख जाएंगे। इसके नीचे भी ब्रांडिंग है और सबसे बात पूरा बटल एक ही प्लास्टिक के रैपर से कवर किया गया है। तो जब भी आप इसे खोलने की कोशिश करेंगे यहाँ से तो पूरा ही निकल जाएंगे। आप देख सकते हैं इसका ढक्कन को आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर प्रोटेक्टेड सील मिलेंगे जो कि काफी हार्ड है। इसे काटने के लिए आपको काटर यूज करना पड़ेगा। तो ये था ऑथेंटिसिटी चेक करने का टिप्स। आप देखते हैं इसका इंग्रेडिएंट्स। तो इसका एक स्कूप का साइज है 60 ग्राम। तारा का नाम इसके स्कूप पे भी प्रिंटेड है, taranutricare.com। 60 ग्राम के एक सर्विंग में आपको 21 ग्राम प्रोटीन मिलेंगे, कार्ब्स मिलेंगे 34.8 ग्राम, फैट्स 2.1 ग्राम एंड एनर्जी आपको 242 कैलोरी मिल जाएंगे। इसमें BCAA आपको 2:1:1 रेशियो में मिलेंगे। तो दोस्तों आपको सिर्फ 35% प्रोटीन मिल रहा है जो कि 100% होए प्रो के नाम से मैच नहीं हो रहा है, लेकिन ये 1 kg का प्रोडक्ट आपको 1000 रुपीज के अंदर मिल जाएंगे और इसके एमिनो एसिड का प्रोफाइल भी ठीक ठाक है। तो जो लोग पहली बार होए प्रोटीन यूज करने के लिए सोच रहे हैं तो ये प्रोडक्ट ट्राई कर सकते हैं। नॉर्मल होए प्रोटीन में आपको 30 ग्राम के सर्विंग में 24-25 ग्राम प्रोटीन मिलता है। इसके लिए आपको 2000-2500 रुपया तक पे करना पड़ता है, लेकिन तारा का ये वाला प्रोडक्ट आपको 1000 रुपीज के अंदर मिल जाएंगे और इसका सर्विंग साइज भी है। तो क्या ये प्रोडक्ट वैल्यू ऑफ मनी है तो आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मैं मैथ में थोड़ा सा वीक हूँ, आप तो जानते ही हैं। इसका कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन कंटेंट से लगभग डबल है, 58% कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर है। मुझे लगता है प्रोटीन का एक लीन मास गेनर है। मिक्सेबिलिटी इसका कुछ खास नहीं है, बार बार चेक करना पड़ता है और झाग हो जाता है। टेस्ट ठीक ठाक है, कुछ लोगों को ये कंज्यूम करने के बाद डाइजेस्ट के प्रॉब्लम हो सकता है, मुझे तो ये वाला प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो दोस्तों बिगिनर के लिए, ये जो लोग पहली बार वे ट्राई करना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए ये बजट फ्रेंडली है। तो दोस्तों आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो पे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट।